नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, यानी कि जो आप फीडबैक अप्लाई कर रहे हो वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है बेसिकली। जनरली हमारा एम्पलीफायर कनेक्टेड होता है फीडबैक से, क्योंकि जो भी एम्पलीफायर की आउटपुट होगी उसका एक पोर्शन आपके फीडबैक नेटवर्क की हेल्प से दोबारा से क्या बन जाएगा, इनपुट एम्पलीफायर की। तो प्रिंसिपल क्या है, ए मान लेते हैं वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का जब तक हमने कोई भी फीडबैक सप्लाई नहीं की है, यानी कि नो फीडबैक एट ऑल। तो अगर हमने फीडबैक नहीं दी है तो हमारे पास क्या सिंपल वी आई इनपुट थी एंड वी नोट क्या थी आउटपुट, तो गेन क्या होगा वी नोट अपॉन वी आई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओपन लूप गेन। ओपन लूप क्यों, क्योंकि जब तक फीडबैक नेटवर्क नहीं आया तो ये आपस में क्लोज नहीं होंगे, तब तक हमारा एम्पलीफायर क्या है एज एन ओपन लूप काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे ओपन लूप गेन, ठीक है। उसके बाद वी एफ मान लेते हैं हमारा जो फीडबैक की हेल्प से इनपुट जा रही है उसके अंदर वी नोट आउटपुट आई थी, ठीक है, वी नोट हमारी आउटपुट थी फीडबैक नेटवर्क के अंदर आई, तो बीटा फैक्टर जो कि फीडबैक का फैक्टर था उसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारी क्या गई इनपुट के तौर पे वी एफ, वो क्या है बीटा वी नोट, ठीक है। तो बीटा वी नोट गई हमारी इनपुट में, अब टोटल इफेक्टिव इनपुट कितनी बन गई वी एस प्लस वी एफ। वी एस क्या, जो आपकी सोर्स से इनपुट आ रही है, जो आपका सोर्स अप्लाई कर रहा है इनपुट, एंड प्लस वी एफ जो आपकी फीडबैक आ रही थी, तो वो क्या हो जाएगी वी एफ को हमने अभी देखा क्या लिख सकते हैं बीटा वी नोट, ठीक है। तो ये हो गया हमारी टोटल इनपुट। आउटपुट क्या है वी नोट दैट इज ए वी आई, यहाँ से लिख सकते हैं हम आउटपुट को वी नोट को ए इंटू वी आई, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट की वैल्यू है आउटपुट की वैल्यू है, यहाँ पे इनपुट अब ये वाले सप्लाई करो नए वाले, तो नए वाले इनपुट क्या आ जाएगी एज इट इज़ वी एस प्लस बीटा वी नोट। अब बीटा वी नोट की वैल्यू इधर भी वी नोट है इधर भी वी नोट है, तो वी नोट वाले फैक्टर को एक साइड एंड वी एस वाले फैक्टर को एक साइड, तो उधर क्या चला गया वी नोट माइनस बीटा वी नोट, और इस साइड क्या बच गया ए वी एस, तो इन दोनों के अंदर से क्या वी नोट कॉमन आ गया, क्या बचा सॉरी ए भी था उधर मल्टीप्लाई तो ए भी है, वन माइनस ए बीटा बचा, बाहर क्या है वी नोट एंड ये क्या हो गया ए वी एस। तो अब यहाँ पे जो हमारा गेन आया उसको हम कैसे लिखेंगे, वी नोट अपॉन वी एस जो भी आपकी आउटपुट थी अपॉन जो आपकी सप्लाई थी। तो अब यहाँ से हमारा गेन क्या आ गया वी नोट बाय वी एस, तो इसको क्या लिखेंगे वन माइनस ए बीटा वी नोट अपॉन वी एस है ना, तो ये इसके डिवाइड में गया ऊपर बचा ए अपॉन नीचे वन माइनस ए बीटा, तो हमारा गेन कितना आ गया ए एफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। तो ये हमारा एम्पलीफायर का गेन है कब, जब हम पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। अब पॉजिटिव कैसे हुआ, पॉजिटिव का कैसे पता चला, क्योंकि हमने क्या इनपुट डाली थी, इनपुट हमने ली थी वी एस प्लस वी एफ, यानी कि जो सप्लाई वाली वोल्टेज है एंड जो फीडबैक वाली वोल्टेज है वो क्या चल रही है फेज के अंदर चल रही है, सेम फेज में है, और सेम फेज किसके अंदर होता है पॉजिटिव फीडबैक के अंदर, पैरेलल फेज बोल दो या फिर सेम फेज जीरो फेज डिफरेंस। तो पॉजिटिव फीडबैक की एम्पलीफायर की आउटपुट कितनी आई सॉरी गेन ए एफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, एंड इन केस नेगेटिव के ऊपर सेम प्रिंसिपल अप्लाई करें तो क्या होगा इनपुट क्या हो जाएगी वी एस माइनस वी एफ। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, फेज चेंज होगा, नियरली एंटी फेज में चलते हैं, यानी कि उनके अंदर पोलैरिटी का टोटली डिफरेंस होता है, एक साइन वेव है तो दूसरी कोस वेव है, तो उस टाइम पे हमारे गेन क्या आ जाएगा सेम मेथड अप्लाई करेंगे गेन आएगा वन अपॉन ए प्लस ए बीटा। अब ये दोनों जो हमारे गेन आए हैं इनकी हेल्प से डिफाइन होता है कि फीडबैक हमारा किस तरीके का काम करेगा। तो मेन जो रिजल्टेंट था हम ये वाला लेके चलते हैं,
अगर इसकी वैल्यू वन से कम है, ये जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है, अगर इसकी वैल्यू वन से कम है तो हमारा क्या होगा, ये कम हो गया तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो गया, ए एफ हमारा बड़ा हो गया क्योंकि डेनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा। अगर डेनोमिनेटर बड़ा होता तो हमारा नॉर्मल फैक्टर छोटा हो जाता, तो उस टाइम पे क्या हो गया, हमारा गेन क्या हो गया, ऐसे बड़ा हो गया। तो ये किसका केस है, पॉजिटिव फीडबैक का, जब हम सप्लाई कर रहे हैं वी एस प्लस वी एफ। लेकिन इनकेस वन माइनस ए बीटा की वैल्यू वन से बड़ी हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, नीचे वाला फैक्टर बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ए एफ क्या हो गया, छोटा ए से। तो ये किस केस में होता है, जब नेगेटिव फीडबैक आता है, जो कि वी एस माइनस वी एफ। लेकिन इन केस ये ना छोटा हो ना बड़ा हो, वन से इक्वल हो जाए, तो अगर ये वन के इक्वल हो गया तो इसका मतलब वन अपॉन ज़ीरो, सॉरी ए अपॉन ज़ीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब आपका गेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये कंडीशन याद हो तो ऑसिलेटर में हमने पढ़ा था वन माइनस ए बीटा ब्रैकुसेन क्राइटेरिया, कि आपका गेन इनफाइनाइट कराने के लिए आपकी ये कंडीशन वैलिड करानी ज़रूरी है, ताकि सिस्टम क्या करे, सस्टेंड ऑसिलेशन करा सके। फिर एक कंडीशन आती है कि ए बीटा की वैल्यू अगर वन से बड़ी हो जाए तो उस टाइम पे हमारा गेन क्या होगा, ए अपॉन माइनस ए बीटा, यानी कि माइनस वन बाय बीटा फैक्टर। और ये केस सिर्फ और सिर्फ जब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक हम लेते हैं तो उस टाइम पे होता है, काफ़ी लार्ज नेगेटिव फीडबैक। फिर बात आती है वेरियस टाइप ऑफ फीडबैक सर्किट, कि कितने तरह के फीडबैक सर्किट होते हैं। बेसिकली हमने जैसे लास्ट देखा था, हमारे पास क्या, एक तो वोल्टेज फीडबैक डिवाइस है, एक करंट फीडबैक डिवाइस है। अब इनके अंदर भी दो दो टाइप्स के होते हैं, दो वोल्टेज के दो करंट के। वोल्टेज के क्या, बेसिकली होता क्या है, जब फीडबैक डिवाइस आपकी एम्पलीफायर की जो भी फीडबैक आप सप्लाई कर रहे हो वो प्रोपोर्शनल चल रहे हैं किसके, आउटपुट वोल्टेज के, यानी कि जो आपका बीटा फैक्टर है साथ में जो भी फैक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लेते हैं फंक्शन एफ है वो, अगर ये एफ हमारा प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज फीडबैक डिवाइस, ठीक है। अब वोल्टेज फीडबैक दो तरीके से हो सकता है, मे बी वो सीरीज फीडबैक हो, मे बी वो शंट फीडबैक हो। सीरीज फीडबैक कब होगा, जब आप उस वोल्टेज को सीरीज में अप्लाई करते हो सर्किट के, और शंट जब आप उसको पैरेलल में अप्लाई करते हो। कैसे, कुछ इस तरीके से कि आपकी जो भी सप्लाई जा रही थी आपने डायरेक्ट उसको नेटवर्क से सप्लाई कर दिया एक सीरीज़ की फॉर्म में। अभी देखो यहाँ से इनपुट आई, ओके, यहाँ से फिर ये फीडबैक के अंदर से चली गई, एंड देन दोबारा से क्या हो गया, एम्पलीफायर के अंदर एक सीरीज़ बन गई। लेकिन शंट के अंदर क्या होता है, दिस वन इज़ फॉर सीरीज, एंड शंट के अंदर क्या होगा, आपकी ये वाले इनपुट सप्लाई आ रही थी, आपने पैरेलल में फीडबैक को कनेक्ट कर दिया। इस चीज़ को ध्यान से देख, इसके अंदर ऐसी कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि सीरीज़ में है, लेकिन क्योंकि पैरेलल में हम कैसे ऐड करते हैं, इसी तरीके से मान लेते हैं किसी सोर्स को, मैं रेजिस्टर को ही ऐड कर रही हूँ तो कैसे ऐड करूँगी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से ऐड है, तो शंट के अंदर क्या होता है, हमारा फीडबैक नेटवर्क पैरेलल में ऐड होता है हमारे एम्पलीफायर की। सेम काम करंट फीडबैक डिवाइस में भी होता है, कि अगर आपकी जो फीडबैक वोल्टेज जा रही है वो फीडबैक वोल्टेज आपकी करंट के प्रोपोर्शनल है, आउटपुट करंट के अगर प्रोपोर्शनल है तो उसको बोलेंगे करंट फीडबैक डिवाइस। जिस टाइम पे वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी तो वोल्टेज फीडबैक डिवाइस, एंड करंट के प्रोपोर्शनल होगी तो करंट फीडबैक डिवाइस। फिर आता है सीरीज फीडबैक एंड शंट फीडबैक करंट के अंदर भी, तो वही काम है, जब उसको आप सीरीज में ऐड करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज करंट फीडबैक, एंड जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, शंट करंट फीडबैक सर्किट।